हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और खुशहाल होंगे। और कल मेरी कोई भी वीडियो नहीं आई। हुआ ये कि ये जो वीडियो आप आज देख रहे हो ना, ये मैंने तैयार किया था कल के लिए, बट देन मैंने इसको पूरा एडिट किया और इसमें ना फाइल को एक्सपोर्ट करना पड़ता है बिफ़ोर यू अपलोड इट ऑन यूट्यूब। वो फाइल एक्सपोर्ट ही नहीं हो रही थी। मैंने 4-6 बार ट्राई किया, शर्मा जी ने ट्राई किया, शाम हो गई हमको ट्राई करते करते, एंड देन इवेंचुअली मुझे समझ आया कि मुझे शायद ये वीडियो वापस से एडिट करनी पड़ेगी। और ये वीडियो मैंने दोबारा एडिट की है और अभी मैं ये अपलोड करूँगी। तो मैं बेसिकली यहाँ पे बना रही हूँ सानवी खुशी के लिए फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस। मैंने यहाँ पे एक पैन में ले लिया है 3 अंडे। तीनों अंडों को मैंने अलग अलग तोड़ के डाला, बिकॉज आजकल अंडे टमाटर वगैरह बहुत ख़राब निकलते हैं, मैं चांस नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैंने सबको इंडिविजुअली तोड़ तोड़ के डाला। इसमें मिलाया मैंने थोड़ा नमक, काली मिर्ची और वो जो लाल सा मसाला था, ये है मसाला मैगी वाला, मैगी क्या कहते हैं यार, मसाला ये मैजिक प्रॉबेबली। तो एक सैशे मैंने लिया था, उसका आधा मैंने यहाँ ऐड कर दिया है भुर्जी बनाने के लिए और आधा मैं डालूँगी राइस में। ये मैं बेसिकली सानवी खुशी के लिए बना रही हूँ, तो उस तरह से बना रही हूँ जैसा उन्हें पसंद आता है, ये टेस्ट उनके लिए है। आप अगर अपने लिए बना रहे हैं ना, तो थोड़े और स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, अनियन, गार्लिक वगैरह डाल सकते हैं, उनको उतना नहीं पसंद आएगा वो सब, तो मैं उनके हिसाब से बना रही हूँ। ऑमलेट हो गई है रेडी और यहाँ कढ़ाई में मैंने लिया है थोड़ा प्याज, ये भुन गया है तो ऐड कर रही हूँ मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच शेजवान चटनी। एंड अगेन मैं सानवी खुशी के टेस्ट के हिसाब से बना रही हूँ गाइज, इसलिए ये मसाले डाले हैं और इतनी मात्रा में डाले हैं। आप बिल्कुल इन्हें अपने हिसाब से बदल सकते हैं। वैसे भी फ्राइड राइस में बहुत सारी सब्ज़ियाँ जाती हैं, चाइनीज सॉस जाते हैं, तो आप वैसा कर सकते हैं। ये है थोड़े से लेफ्ट टूअर राइस, मैंने ये ऐड किया है थोड़ा सा जो बचा हुआ मैगी मसाला था वो। इसके बाद ऐड किया है थोड़ा सा गरम मसाला और जो राइस है उसमें ऑलरेडी नमक था, चटनी में भी नमक था, तो थोड़ा सा नमक मैंने यहाँ पे और डाला है हिसाब से। इसके बाद इसको अच्छे से टॉस कर लीजिए। बेसिकली आप समझ सकते हैं ये एक बेस राइस है, आप इसमें और भी तरह के वेरिएशन कर सकते हैं, आप फ्राइड राइस में जो चाहें वो मिलाइए। बट एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि इसमें हमेशा थोड़ा सा पानी इस तरह से ज़रूर डालें, अदरवाइज़ क्या होता है, फ्राइड राइस हम लोग बनाते हैं लेफ़्ट ओवर राइस से, वो ऑलरेडी ठंडे और थोड़े सिकुड़े हुए होते हैं, और फिर जब उनका आप फ्राइड राइस करते हो तो कभी कभी राइस रबरी टेक्स्चर का हो जाता है। उससे बचने के लिए जैसे मैंने अभी इसमें पानी डाला ना, इस तरह पानी डालकर फुल फ्लेम पे आपको सारी प्रोसेस करनी है, थोड़ा पानी डालकर इसको पकाइए, तो आपके जो राइस है वो बहुत सॉफ्ट और यामी बनेंगे। शर्मा जी के लिए ये राइस मैं निकाल रही हूँ थोड़े से, क्योंकि वो आजकल अंडे आम जैसी गर्म चीज़ें खाने से बच रहे हैं। आपको याद होगा उनका आँख मैंने आपको दिखाया था, तो वो खाएंगे सादा राइस। मुझे खाना नहीं था, मुझे बिल्कुल भूख नहीं था, बचे हुए राइस में मैंने मिला दिया एग भुर्जी और ये है सानवी खुशी के लिए, और फटाफट से तैयार हो जाता है। और बच्चों को ये प्रिपरेशन, इस तरह की प्रिपरेशंस बेसिकली बहुत पसंद आती हैं। तो ये हो गए हैं दोनों तरह के राइस तैयार। तो हम ये क्या खेल रहे हैं नीलम? यहाँ स्कूल की यादें ताज़ा कर रहे हैं। क्या गेम है ये? शर्मा जी ये पत्थर अभी नीचे से उठा के लाए, इनको हमने धोकर सैनिटाइज किया है, और अभी मुझे नहीं पता हम इसे गिट्टू कहते थे, पता हमने मैंने इनको सैनिटाइज क्यों किया पता नहीं ना, सड़क पर उठा के थूका ही हो इस पे। हम लोग सब बोर्ड गेम और फैंसी गेम खेल खेल के पक गए हैं, पक गए थे। फिर हम बातें कर रहे थे तो याद आया कि ये वाला गेम हम खेलते थे, शर्मा जी भी खेलते थे, तो फिर सोचा चलो खेलते हैं। तीन ए कर लिया तूने? हाँ, अभी देखो फोर्थ भी कर लूंगी मैं। ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए भगवान। अब क्या होता है कोटी एंड देन दिस थिंग ना, हाँ आलू मक्खी क्या क्या बोलते थे इसको, लगती नहीं है, लगते ना, तो क्यों कर रहे हैं? फॉर सम रीजन मुझे अभी तक याद है, इट्स बीन लाइक मोर देन 20 इयर्स नाउ, जो मुझे तो नहीं याद कि क्या करते थे। आउट नहीं, ओके ये 4 होते हैं ना, एंड देन दिस थिंग बोलो, ये नहीं छेड़ना। और मालूम है इसमें 3 चांस होते हैं, 3 में आप इसे ले जा सकते हो। ओ शिट,
उसको मैंने टच नहीं किया है। गया हिल गया वो, हिल गया आउट हो गया। हिला सानवी? हाँ। नहीं हिला। अरे हिला वीडियो में देख लेना, वीडियो में देख लेना। चलो इतना दूर आके, अब तुम्हारी चांस है। आई वाज ज़ोनिंग आउट। क्या कैसे करते हैं ऐसे ना? हाँ। ओहो यही उठाता हूँ। हाँ। वो फर्स्ट राउंड है। ओ शिट यार, एक चांस हो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, एक चांस हो रहे। और अभी मैं आई हूँ किचन में, मैं एक बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। बेसिकली ये डिनर ही बहुत स्पेशल जैसा था। आपको मैं ये रेसिपी दे रही हूँ एंड पक्का आप ये रेसिपी बनाने वाले हो। अपने आप को स्पेशल ट्रीट कीजिए, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक ट्रीट वाली रेसिपी है। डू ट्राई इट, यू वुड लव इट। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी बनाऊंगी फ्राइड अनियंस, इसलिए थोड़ी ज़्यादा सी मैंने प्याज ले लिया है। और इसको ना इस तरह लंबा लंबा काट लीजिए, थोड़े ऑयल में इसको फ्राई कर लीजिए। मैं इसे स्लो फ्लेम पे ही फ्राई होने के लिए रखूंगी क्योंकि मैं पैरेलली थोड़ा और काम करने वाली हूँ। आप चाहें तो ध्यान केंद्रित करके इसको अच्छा सा गोल्डन फ्राई कर लीजिए। वो वाले प्याज वहाँ फ्राई हो रहे हैं, तब तक मैं यहाँ थोड़ा सा पनीर काट लूँगी। रेसिपी पनीर की ही है और इसमें पनीर को इस तरह लंबे लंबे स्लाइसेस के तौर पे काटा जाता है। थोड़े से थिक ही रखने होते हैं पर थोड़े से बड़े होने चाहिए। आप ज़्यादा पतला रखेंगे ना तो फिर वो टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप देखिए मैं किस तरह काट रही हूँ, मोर और लेस इसी तरह के आप साइजेस में काट लीजिए पनीर को। और वो जो साइड में थोड़ा सा पनीर मैंने पहले निकाल के रखा था ना, ये आगे रेसिपी में काम आएगा, उसे मैं अलग रख रही हूँ। और ये जो स्लाइसेस मैंने काटे हैं इनको हम आगे करेंगे मैरिनेट। अभी प्याज ऑलमोस्ट पकने आई हैं, फिनिशिंग स्टेज है, तो मैं पूरा कॉन्सेंट्रेशन इसके ऊपर लगा के इसे फ्राई कर लूँगी। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इनको फ्राई कर लेते हैं ना तो ये फिर एक कड़वा टेस्ट देते हैं आपकी यू नो फूड को, इसलिए थोड़ा ऐसा रेड रेड उतार लीजिए। अच्छे कैरमलाइज्ड अनियन हैं ये, बहुत अच्छा टेस्ट देंगे जब आप इनका इस्तेमाल करेंगे। तो इनको निकाल लीजिए टिश्यू पेपर के ऊपर और थोड़ा सा फैला दीजिए, इनको हवा लगेगी ना तो ये थोड़े क्रिस्पी भी हो जाएंगे। फिलहाल के लिए इन्हें साइड में रख दीजिए, अभी इनका काम नहीं है। अभी हम करेंगे पनीर को मैरिनेट। मैरिनेट करने के लिए मैंने इसे एक थाली के ऊपर रख लिया है। एक सिंपल सा मैरिनेशन हम करेंगे, कुछ भी एलैबोरेटेड नहीं, क्योंकि ये पनीर है इसको बहुत देर तक हम लोग मैरिनेटेड रखने वाले भी नहीं हैं। थोड़ा सा मैंने इस पर डाला है हल्दी का पाउडर फॉर द सेक ऑफ कलर। देन मैं ऐड कर रही हूँ इसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर और इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें थोड़ा सा नमक। आप चाहें तो इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल सकते हैं, थोड़ा नींबू डाल सकते हैं, बट ट्रस्ट मी इतने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि जो ग्रेवी है वो बहुत रिच बनने वाली है, इतना इज़ इनफ। नमक के बाद मैंने डाला इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर फॉर बेटर कलर एंड देन थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। और इसको अच्छे से रब कर लीजिए, सारे स्लाइसिस को ऊपर नीचे से कोट कर लीजिए इस मैरिनेशन में। और इसको आप 10-15 मिनट रख के छोड़ दीजिए, दिस इज़ इनफ। एंड यस, नमक ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना पनीर अपना जो मॉइस्चर है वो लूज़ करने लगेगा, बस थोड़ा सा कि थोड़ा यू नो एक स्वाद आ जाए पनीर में। और पनीर का मैरिनेशन हो गया तैयार, पनीर भी मैरिनेट हो चुका है, इसे अभी रखते हैं साइड में और इसको फ्राई करने की तैयारी करूँगी मैं। पैन ले लिया है मैंने नॉनस्टिक और इसके ऊपर वही ऑनियन वाला ऑयल मैंने थोड़ा स्प्रिंकल किया है। और इसके बाद ये जो पनीर आपने मैरिनेट किया है ना इसे इसके ऊपर लाइन कर दीजिए और इसे पकने दीजिए। इसको अच्छा सा कलर आप दे दीजिए, थोड़ा गोल्डन कलर आ जाएगा ना तो अच्छा लगेगा पनीर खाने में भी और देखने में भी। जब तक पनीर फ्राई हो रहा है एक और पाउडर बना के रख लेंगे। ब्लेंडिंग जार में मैंने लिया है थोड़ा कसूरी मेथी और थोड़ा सा काजू, काजू ड्राई है, भीगा हुआ नहीं है, बस इसको एक फाइन पाउडर आप बना लीजिए। ये एक बहुत ही अच्छा टेस्ट इन्हांसर का काम करता है। यहाँ पे जो पनीर है ये रेडी हो गया, मैं इसे फ्लिप कर रही हूँ और बस दूसरी तरफ से ज़्यादा नहीं पकाऊँगी, इधर से ऑलरेडी अच्छा गोल्डन हो गया है। मैं इसे बस और कुछ सेकंड्स पका के इसको उतार लूँगी। और जो काजू था इसको मैंने पीस लिया है। ये जो आप पाउडर देख रहे हो ना काजू का और मेथी का, ये बहुत अच्छा एरोमेटिक पाउडर है, टेस्ट इन्हांसर भी है। आप इसको बना के भी रख सकते हो फ्रिज में, और जो भी आपको सब्ज़ी लगती है ना कि आप थोड़ा स्पेशल बनाना चाह रहे हो उसमें थोड़ा सा ये ऐड कर दिया करें, बहुत अच्छा टेस्ट आपकी सब्ज़ी को मिलेगा। सेम ब्लेंडिंग जार में मैंने लिया है थोड़ा सा गार्लिक,
थोड़ा जिंजर, ये बेसिकली टमाटर की प्योरी मैं बना रही हूँ जो ग्रेवी बनेगी उसके बेस के लिए। तो मैंने जिंजर गार्लिक लेने के बाद यहाँ चार थोड़े छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं। टमाटर अच्छे लाल होने चाहिए सो दैट आपकी ग्रेवी को अच्छा लाल कलर मिले। आप चाहें तो इसमें मिर्चें भी डाल सकते हैं, हरी मिर्चें काट कर। मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं मिर्चें डायरेक्ट ग्रेवी में डालूँगी। एंड बस इसको अच्छा सा पीस लीजिए बारीक एकदम। इसको थोड़ा स्मूथ रखने की ही कोशिश कीजिएगा क्योंकि हम ग्रेवी बहुत स्मूथ बनाने वाले हैं। बस इसे पीस लीजिए। और अब फाइनली यमी पनीर की सुपर रिच ग्रेवी बनाने की तैयारी मैंने शुरू की है। सेम वही प्याज वाला ऑयल मैंने यहाँ ले लिया है कढ़ाई में, और डाल रही हूँ मैं एक बड़ी काली इलायची, छोटा सा बे लीफ मैंने ऐड किया है, दो हरी इलायची, थोड़ा सा जावित्री मैंने यहाँ डाला है, चार एक लौंग डाले हैं, और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का यहाँ पे मैं ऐड करूँगी। और इसके बाद मैं इसमें जीरा नहीं शाहजीरा ऐड करूँगी। ये देखिए शाहजीरा थोड़ा छोटा होता है और थोड़ा काले रंग का होता है, पर इसका जो अरोमा होता है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है। शाहजीरा ऐड कीजिए और इसको थोड़ा सा भूनने के बाद ऐड करेंगे इसमें एक छोटा प्याज काट के। और ये जो प्याज है इसे हम लाल नहीं करेंगे क्योंकि लाल प्याज तो हमने साइड में रखे हुए हैं ना, इसे बस ऐसे ही थोड़ा ट्रांसलूसेंट कर लेंगे। बहुत अच्छा इससे टेक्स्चर आएगा आपकी ग्रेवी को। थोड़े से ये पक जाएंगे ना तो इसके बाद जो टमाटर वाला अभी हम लोगों ने प्योरे तैयार किया था वो इसमें हम ऐड करेंगे। और इसके बाद इसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दीजिए ढक्कन लगाकर। थोड़ी देर बाद इसको आकर चेक करेंगे। मीनवाइल एक और यहाँ पे पेस्ट बनाना है, यह है बीकानेरी भुजिया। हाँ जी, बेसन वाली बीकानेरी भुजिया लिया है एक चम्मच। इसमें एक छोटी सी कटोरी दही का डाला है मैंने। दही खट्टा नहीं है, घर का है, सादा दही लीजिएगा। और वो जो अनियन आपने फ्राई करके रखे हैं ना, इनको इसमें ऐड करके इन तीनों चीज़ों का एक फाइन सा पेस्ट बना लीजिए। और ये बहुत मस्ट है इसके लिए, इररिप्लेसिबल है, आप ये ज़रूर बनाइएगा। इससे इस सब्ज़ी को एक अलग टेस्ट और टेक्सचर मिलेगा। यहाँ पर देखिए जो प्याज का जो मसाला है ना, प्याज टमाटर का, ये थोड़ा सा पक गया है तो ऐड किया है मैंने इसमें कटी हुई हरी मिर्चें। ये मिर्चें बहुत तेज़ नहीं हैं, आप जब हरी मिर्चों का इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा ध्यान रखा करें कितनी तीखी हैं वो, क्योंकि इसमें और भी तरह की मिर्चें जाती हैं ना ग्रेवी में, तो कहीं ऐसा ना हो आपका एंड प्रोडक्ट बहुत तेज़ तीखा हो जाए। इसको थोड़ी देर और मैं पकाऊँगी, मुझे जैसा कंसिस्टेंसी चाहिए। अब ये बिल्कुल वैसा हो गया है, भुना मसाला एकदम वैसा तैयार हो गया है जैसा मुझे चाहिए। ऐड करूँगी मैं इसमें पाउडर मसाले, लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी का पाउडर, धनिया पाउडर, इसके बाद थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर फॉर बेटर कलर, देन थोड़ा सा टमेटो केचप, सारी टार्ट को बैलेंस करने के लिए। आप चाहें तो चीनी का इस्तेमाल कर सकते हो, बट थोड़ा सा कुछ स्वीटनिंग एजेंट ज़रूर डालिएगा क्योंकि इसमें टार्ट बहुत ज़्यादा होने वाली है, टमाटर है, दही है, तो बैलेंस करना ज़रूरी है। इस मसाले को ज़रा सा भून लेने के बाद इसमें जो अभी हम लोगों ने दही वाला जो मिक्सचर बनाया है ना ये ऐड कर दीजिए। यूँ तो इस दही में प्याज है, भुजिया है, तो ये फटेगी नहीं, बट देन दही है यार, चांस क्यों लेना। तो थोड़ा इसे भून लीजिए जब तक इसमें एक अच्छा उबाल जैसा आपको नज़र आए, क्योंकि दही यूजुअली फट जाती है, उसे आपको तब तक चलाना पड़ता है जब तक वो पक जाए। तो थोड़ी देर पका लीजिए, बस ये फटाफट तैयार भी हो जाती है। यहाँ देखिए इसको एक खदका सा दिखने लगा है ना, इस स्टेज पर मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। अच्छे से सारी चीज़ों को मिला लीजिए और इसके बाद हम इसे थोड़ी देर और अभी पकने के लिए छोड़ेंगे बिफोर वी प्रोसीड। एंड येस, इस स्टेज पे आप थोड़ा सा जो इसका सीजनिंग है ना, नमक वगैरह, वो चेक कर लें। कंसिस्टेंसी अभी हम एडजस्ट नहीं करेंगे, अभी मसाला भुनने का प्रोसेस ही चल रहा है। थोड़ा मैंने इसमें नमक ऐड किया है और मैं इसे भुनने के लिए अभी रखूँगी थोड़ी सी देर के लिए। दो एक मिनट मैंने इसे भूनने रखा और आप देखिए किस तरह इसका कोरमा रिलीज हो गया है। इस स्टेज पे ऐड करेंगे हम काजू और जो मेथी का जो हमने पाउडर बना के रखा था वो, और ये जो आपको इसमें ऑयल जैसा दिख रहा है ना, ये बेसिकली दही की वजह से घी आया है और इसकी वजह से एक बहुत अच्छा रिचनेस आपकी सब्ज़ी को मिलता है। काजू हम लोगों ने पहले इसलिए ऐड नहीं किया बिकॉज़ काजू का टेंडेंसी होता है चिपक जाने का, तो इससे आपकी जो ग्रेवी है वो स्पॉइल होने के चांसेस थे। एक बार दही का मसाला अच्छे से पक गया तो आप काजू ऐड कीजिएगा और इसके बाद कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लें और इसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़िए। इसमें एक उबाल आ गया है, मेरे हिसाब से ये जो ग्रेवी है ना इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है।
बिल्कुल लास्ट स्टेप के तौर पे इसमें पनीर ऐड किया जाएगा। तो ग्रेवी आप पहले से ही चेक कर लें, एंड यस अपने हिसाब से नमक वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रखते रहिए। और ये ग्रेवी मेरे हिसाब से एकदम रेडी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा किचन किंग मसाला, ज़रूरी है डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। और ग्रेवी देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली लग रही है ना, इसकी थिकनेस, इसका कलर और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आया है। इसके बाद ऐड कर दीजिए इसमें फ्राइड पनीर। ये जो पनीर है ये मैरिनेटेड था, आप इसे गर्म पानी में डाल के नहीं रख सकते हैं, बट हाँ इसे अच्छी तरह ढक के रखिएगा जिससे ये च्यूई ना हो जाए। वो जो पनीर का स्लाइस हमने शुरू में बचा के रखा था ना, उसमें से थोड़ा सा मैं यहाँ ग्रेट करके डाल दूँगी। ऐसा करने से इसको एक वो रेस्टोरेंट वाला लुक तो मिलेगा ही अनडाउटली, थोड़ा सा जो इसकी ग्रेवी है ना वो मेलो डाउन भी होगी, उसको एक बॉडी मिलेगी। अच्छे से मिला दीजिए सारी चीज़ों को और इसे ढक्कन लगा के पकने छोड़िए सिर्फ 2 मिनट। पनीर बस सॉफ्ट हो जाए, सारी सब्ज़ी एक रस हो जाए, एंड लुक एट इट हाउ ड्रूलसम इट इज़ लुकिंग। बस सब्ज़ी हो गई है रेडी, गैस मैंने बंद कर दिया है, इसे एक फाइनल स्टर में दूंगी। धनिया वनिया आप यहाँ ऐड कर लीजिएगा, चाहे तो जिंजर जूलियन वगैरह ऐड कर लीजिएगा। धनिया मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने नहीं डाला। आपने देखा मैंने शुरू में जो फ्राइड राइस बनाया था उसमें भी कुछ नहीं डाला, बिकॉज मेरे पास सब्ज़ियाँ नहीं थे, पनीर था तो वही मैंने बना लिया। और ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। अगेन ये थोड़ी सी हैवी है, थोड़ी सी रिच सब्ज़ी है, बट वंस इन अ वाइल इस तरह की सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं, एंड वी ऑल चेरिश। वीकेंड आते आते इच्छा होने लगती है इस तरह का कुछ खास स्पेशल खाना खाने का, तभी तो हम लोग रेस्टोरेंट्स वगैरह जाते थे ना। नहीं जा सकते तो घर में ही रेस्टोरेंट बना लीजिए माई डियर, आप कर सकते हैं। ट्राई दिस वन, आपको बहुत पसंद आएगी, जस्ट लुक एट इट। ये जो पनीर ग्रेट करके डाला है ना, इसकी वजह से तो बिल्कुल लग रहा है कि रेस्टोरेंट से आया है सब्ज़ी, और टेस्ट में भी A1 था। आप ट्राई कीजिए, आपको पसंद आने वाला है। मैंने सोचा था कि इसके साथ मैं फुलके बनाऊंगी, बट देन फिर लगा थोड़ा ज़्यादा ही हैवी हो जाएगा, सो आई डिसाइडेड टू मेक राइस। थोड़ा सा राइस के साथ ना लाइट हो जाता है खाना, तो मैंने उसी कढ़ाई में थोड़ा सा वही वाला ऑयल ले लिया है, जीरा डाला है, और इसमें मैं ऐड करूँगी नमक। और यहाँ मेरे साथ हुआ एक इंसिडेंट, मैं हादसा एक्सीडेंट तो इसे नहीं कहूँगी, बट आप देखिएगा कि क्या हुआ। देखा आपने मेरी किचन को रेस्टोरेंट बनने में बस यही कमी थी, तो ये भी हो गया। रेस्टोरेंट वाली सब्ज़ी तो बना ली, रेस्टोरेंट वाला फायर इफेक्ट भी आ गया। फॉर अ सेकंड मैं बिल्कुल डर गई थी, बट मुझे लगता है नॉर्मल भी है, बट आई कंसोलिडेटेड माई सेल्फ। और इसके बाद फिर मैंने राइस बना लिया, मिस्टेक मेरी ही थी, मैंने जल्दबाजी में फटाक से उसमें राइस डाल दिया, और उसकी वजह से तेल उछल के नीचे फायर के कॉन्टैक्ट में आके वो आग लग गया। कभी कभी ऐसी मिस्टेक हो जाती है यार, मैं बहुत कॉन्शियस रहती हूँ, बट कभी कभी क्या होता है काम जल्दी से हो जाए ऐसी हमारी इच्छा रहती है। अब ये वीडियो आप देखेंगे ना, ये सिर्फ 20 मिनट का है, पर मुझे बनाने में तो बहुत वक्त लगा ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये काम जल्दी से हो जाए, तो उस चक्कर में ऐसा हो जाता है। मुझे पता था कि सबको मीठे की इच्छा ज़रूर होगी इतनी रिच सब्ज़ी के बाद, तो मैंने बनाए हैं ये सिवैयाँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसे रेसिपी इसकी मैं अगले व्लॉग में शामिल करूँगी। इसमें सिर्फ आप देख लीजिए कि ये बहुत यमी बनी थी, रेसिपी मैं आपको पक्का पक्का देने वाली हूँ। तो मैं फाइनली थाली तैयार कर रही हूँ, राइस पक चुके हैं, सेवैयाँ मैंने मीनवाइल तैयार कर लिया था, और अभी स्टार ऑफ द थाली इज़ माय पनीर डिश। ये बहुत अच्छी बनी थी गाइज, डू ट्राई इट। और पनीर को अलग तरह से काटने से भी ना इसमें एक अलग ही ब्यूटी ऐड हो जाती है। अगर आप सेम तरह से काट काट के पनीर हर चीज़ में डाल देंगे तो फिर सारी सब्ज़ियाँ मोर ऑर लेस सेम ही दिखेंगी, बट रेस्टोरेंट वाले भी अलग अलग तरीके से पनीर को काट कर डालते हैं अलग अलग प्रिपरेशंस में, और ये इस तरह से लंबा लंबा तो और भी मज़ा दे रहा था। आप इसे जब ट्राई करेंगे तब आपको पता चलेगा, ये देखने में जितनी अच्छी है खाने में भी उतनी ही अच्छी थी। अभी तो गेस्ट वगैरह नहीं आ रहे हैं, बट जब आपके गेस्ट आएंगे ना आप ये ज़रूर बनाइएगा, आपकी वाहवाही होने वाली है। और ये है आज का बहुत ही यमी स्पेशल फ्लेवरफुल थाली, डू ट्राई इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।